नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं कि एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल हो रहा है कि जिसको आपको यूडीआई से अपना आधार कार्ड को लिंक करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सामने दिया हुआ लिंक है इसमें हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पेज खुल जाएगा सामने, यहाँ पर लिखा हुआ आधार कार्ड नंबर, आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है। तो मैं भी साथ करता चलता हूँ अपना आधार कार्ड, और मैं अपने आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ। ये मैंने अपना आधार कार्ड का नंबर लिख दिया। उसके बाद आप ये नीचे देखेंगे लिखा हुआ कॉन्टैक्ट डिटेल, तो आप डिटेल में मोबाइल नंबर दे सकते हैं और ईमेल आईडी दे सकते हैं, कोई सा भी एक दे सकते हैं। तो मैं मोबाइल नंबर अपना दे देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आप ये नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे ये कैप्चर है, तो आपने सेम ये कैप्चर जैसा लिखा हुआ है उसी वर्ड में आपको लिखना है। और ये नीचे लिखा हुआ है सेंड ओटीपी, आपने इसको क्लिक करना है। सामने आपको आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर नज़र आ जाएगा, और ये लिखा हुआ है ओटीपी सेंड टू यूअर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक यूअर मोबाइल। तो आपके मोबाइल के अंदर एक ओटीपी आया होगा, उसको आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं भी इसमें ये डाल दिया। फिर आप ये नीचे देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ प्रोसेस टू वेरीफाई, आपको बस इसको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ये क्लिक करते हैं आपके सामने एक पेज आता है जिसमें ग्रीन कलर का ये राइट लगा हुआ है, चेक योर ईमेल मोबाइल नंबर आधार कार्ड। और अगर आपको लगता है कि किसी और का भी वेरीफाई करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके अनदर किसी और का वेरीफाई कर सकते हैं। तो मुझे आशा करता हूँ कि आप लोग सीख चुके होंगे, और फिर भी आपको लगता है कि आपको एक बारी में नहीं आया तो आप दोबारा एक बारी और इस वीडियो को देखिए, और उसके बाद भी आपको दिक्कत लगती है तो आप अपने अपलाइन को कॉल कर सकते हो, उनसे पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी धन्यवाद। अगर जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी हम लोगों के पास, हम लोग आप तक शेयर करते रहेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू टू ऑल।